पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग में बदलाव करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार ने के पाठक जैसे कड़क अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव बनाया, तो बिहार के कई स्कूलों की दशा और दुशा जो है वो सुधर गई। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं बिहार के शिक्षकों के अंदर, शिक्षक संघ के अंदर, जिन समस्याओं का समाधान कर पाना बड़ा मुश्किल लगता है। बिहार में ऐसे कई जिले हैं और उन जिलों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं। बावजूद उसके जो सचिव होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अफसर होते हैं, उन तक शिकायत पहुंचाने के बावजूद भी वो नहीं करते हैं। आलम तो ये है कि कई जगहों पर शिक्षा विभाग के अंदर भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, आवाज उठाने के बाद भी नहीं सुना जाता है। तो इस कड़ी में तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जमुई जिला से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष धर्म चंदन रजक जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। इनके पास भी कुछ ऐसे शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याएं थी जिनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पर चंदन जी। भारत लाइव को सर, हम बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से, जम्मू जिला की ओर से हम हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। क्या समस्या है ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है, पूरा डिटेल बताइए। सबसे बड़ी समस्या यह है सर कि हम जम्मू जिला में हमारे नव पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार जी योगदान किए हैं जी। और इनके योगदान के पूर्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मानस मिलिंद के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का बार बार उनके ऊपर आवाज उंगलियां उठते ही रहा जी। और शिक्षा विभाग से संबंधित समस्याओं के लिए हम लोग कई बार लिखित रूप से, मौखिक रूप से हमने उनको निवेदन किया कि हमारे MSEP लाभ, बकाया एरियर वेतन, कुछ वेतन, ऐसी समस्याएं हैं जिनके निदान के लिए हम लोग आग्रह करते करते थक चुके हैं। अच्छा, मतलब शिक्षकों का वेतन भी बकाया है कई जगहों पर। जी हाँ सर, माह दिसंबर 2023 से लगभग 30 शिक्षकों का वेतन बंद है। अच्छा, ये कौन शिक्षक हैं, ये क्या जैसे BPSC के शिक्षक? हम लोगों का नहीं, ये हमारा नियमित शिक्षक है, रेगुलर शिक्षक है। जम्मू जिले के 30 शिक्षकों का अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जबकि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पूर्व में हम कई बार लिखित रूप से आवेदन भी दिए हैं, स्वयं मिले भी हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो मतलब किनसे आपने शिकायत की है और क्यों वो बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं आप लोगों को? हमने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मानस मिलिंद से लिखित रूप से शिकायत की थी सर। अच्छा, तो ये शिकायत क्या आपने जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, DM होते हैं, क्या उन तक ये शिकायत आपने पहुँचाया है कि आपके अधिकारी ऐसा कर रहे हैं? भ्रष्टाचार में मानस मिलिंद को लिप्त रहने के चलते विभाग में काफी उथल पुथल रहा, लेकिन अब वर्तमान में हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री राजेश कुमार जी योगदान किए हैं और आरोप से घिरे रहने के चलते स्थापना का जो प्रभार मानस मिलिंद के पास थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी खुद ग्रहण कर चुके हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं और उनको हम भारत लाइव के माध्यम से उनको वाकिफ कराना चाहते हैं कि हमारी शिक्षकों की जो समस्या है वो बिल्कुल निश्चिंत रूप से सुने और पूर्व में जो मेरे द्वारा शिकायत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया है उनका अवलोकन करें और हमारी शिक्षकों की जो समस्या है वो निदान करें, यही हम जिला शिक्षा पदाधिकारी माननीय राजेश कुमार जी से आग्रह और निवेदन भी करते हैं। तो ये क्या मतलब आपके बारे में भी शिकायत किया गया था, आप शिक्षकों की आवाज उठा रहे थे तो? जी नहीं सर, मेरे बारे में तो विभाग के द्वारा शिकायत नहीं किया गया है, लेकिन यही हुआ कि अभी तक जो भी समस्या है उसका निदान नहीं किया गया, जो कि शिक्षकों में काफी आक्रोश का सामना है। तो अपर मुख्य सचिव को आपने पत्र भी लिखा है क्या इस मामले को लेकर? जब ऐसा आश्वासन मिला है जिला शिक्षा पदाधिकारी
के द्वारा कि हम समस्या को त्वरित निष्पादन कर देंगे, जिसके चलते हम लोग अग्रतर कार्यवाही ने की है। आशा और उम्मीद के साथ हम जिला शिक्षा पदाधिकारी माननीय के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि समस्या पर उनके द्वारा भी कुछ विचार नहीं किया जा रहा है। तो ये कब आपने शिकायत दर्ज कराई थी? कितने महीने हो गए? महीने हो लगभग गए। 1 महीना पहले हम इसका शिकायत जो है लिखित रूप से दर्ज किए हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए शिकायत नहीं सुना जाता है, तो आपका स्टैंड क्या होगा, क्या करेंगे आप? तो हमने उनको मीडिया के माध्यम से कई बार हमने आगाह भी किए हैं कि अगर मेरी समस्या को आप नहीं सुनते हैं तो हम संघ के सभी सदस्यों के द्वारा हम शिक्षा भवन के सामने जो है हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे, आंदोलन संघर्ष कर करेंगे, आंदोलन करिएगा। आंदोलन करेंगे। अपर मुख्य सचिव को लिखे हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र वगैरह लिखा है आपने? उनको पत्र हम नहीं लिखे हैं सर, इसलिए कि वर्तमान जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय योगदान किए हैं वो हमको करीब 1 महीना पहले आश्वासन दिए हैं कि अच्छा, उन पे हम जो भरोसा भी है आप? समस्या सॉल्व कर देंगे। उन पे भरोसा है आपको? जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय पर हमको बिल्कुल भरोसा है, उम्मीद भी है, लेकिन थोड़ा सा सर को विशेष रूप से आग्रह ही है कि सर तत्क्षण आप थोड़ा सजग होके हमारी समस्या पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारी समस्या समाधान हो जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातों को रखने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने बिहार के कई जगहों पर शिक्षा विभाग में शिक्षकों की आवाज जो है वो नहीं सुनी जाती है, जिससे शिक्षक काफी परेशान रहते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर कई अधिकारियों तक ये शिकायत करते, बावजूद इसके नहीं सुना जाता है। तो चंदन जी थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, मुझे उम्मीद है कि शायद शिक्षा विभाग इस पर कार्रवाई करेगा, इनकी बातों को सुनेगा। खबरें लगातार हम जारी रखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।